يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم. وعليكم السلام. Who's speaking? My group person is Shahida Salman. जी. जी. Can I see you? मेरे टीम लीडर मैं जॉब पे हूँ एक्चुअली तो ओके जब से मैं कॉन्टेक्ट थी पर ऑफिस पे ओके जी बोलिए शायद ओके दोज आर प्रिंट दे कैन सी शेख शबनम वासिया नसरीन निशात नाजिमा ये वालेकुम सलाम वासिया फ्रॉम तमिलनाडु नाम शेख शबनम है शबनम जस्ट वेट वासिया से बात करेंगे जी बहुत अच्छा लगा दिस इज माई फर्स्ट टाइम हियर टू ज्वाइन विद डीए एंड आई एम फीलिंग वेरी इलेटेड एक्चुअली आप लोगों से बात करके इतने लोगों का जो एक्सपीरियंस है सब सुन के बहुत अच्छा लग रहा है और दूसरी बात यह है कि हम मेंबर्स इतने एक्टिव हैं कुछ लोग एक्टिव नहीं है उनको भी बहुत टीम लीडर हमारे मोटिवेट करते ज्वाइन करने के लिए और पार्टनर्स जो बनाए उनको भी बोलते कि उनको साथ लेके चलिए तो हम भी ऐसे कर रहे हैं कि नोट्स बनाए तो कुछ शेयर कर लेते हैं उनको ऐसे हो रहा है और दूसरी बात मैं बहुत इससे सीखी कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना क्योंकि बच्चों को लेके इतना ज्यादा हमें टाइम अपने लिए निकालना नहीं हो रहा है लेकिन इस कोर्स के लिए हम निकाल पा रहे हैं अभी निकाल रहे भी हैं बहुत सारे लोगों को चेंजेस भी आए हैं इस कोर्स के दौरान और आगे इंशाल्लाह बहुत सारे चेंजेस आएंगे भी आई होप इट विल बी वेरी फॉर द गुड हेलो हेलो मैम कैन यू हियर मी आई कैन हियर यू वासिया इज स्पीकिंग लेट हर कंप्लीट शाहिदा सरवर या और मेरे पास मुझे एक डाउट है ये है कि हमारे एल्डर्स जो भी हैं पेरेंट्स हैं ग्रैंड पेरेंट्स हैं और आंट्स और अंकल्स हैं कभी कोई गलती करे तो हम टोकते तो नहीं अगर उसके लिए हम इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ बोले तो क्या वो गलत हो सकता है या हम किस तरह से उनको समझाएं कि आप जो कर रहे हैं गलत है डेफिनेटली समझाना है इसका एग्जाम्पल ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को समझाए थे सुलेमान अलैहिस्सलाम हालांकि दाऊद अलैहिस्सलाम अपने फादर थे उनको समझाए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चिचाओं को और बड़ों को जो है दीन की तरफ बुलाते थे तो हमारी सोसाइटी में क्या हो गया कि बड़े है तो सही है छोटे है तो गलत है तो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग विदाई जहां से भी आए बड़े से आए छोटे से आए अब हमको लेना है और देने में भी जो है अंकुशकुम अहलीकुम नारा तो अपने आप को और अपने घर वालों को हमको आग से बचाना है तो डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन इट बड़े है छोटे है ये निकाल देना है कि बड़े है सही है बड़े है तो लकी नहीं बड़े गलत भी हो सकते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद थे लेकिन बुत परस्त थे गलत इज गलत सही इज सही हिदायत इज हिदायत Everybody we should invite towards Hidayat and Islam. That is, magar jo aap sahi aur galat bol rahe, that should be in the light of Quran and Sunnah. Wo hamare apni personal opinion nahi hona chahiye, hamare personal thoughts nahi hona chahiye, hamari soch hamari samajh nahi hona chahiye. But what we are saying should be according to Quran and Sunnah. Hamara temperament jo hai na, wo imbalance ho jata hai. Most probably like ab mere paas aisa hai ki mera nature thoda gussa jaldi aa jata hai. तो उसको मैं काबू करने की बहुत कोशिश करती हूँ तो समझाते समझाते एक एक लेवल के ऊपर गुस्सा आ जाता है समझाते हुए तो ये मुझे कंट्रोल करना है बस तो जी कभी भी मैं पहले भी बताई ये बात आपको फिर से मैं रिपीट करूंगी कि किसी के भी सामने जब आप बात बता रहे तो ऐसी रखना अक्सर जो है ना इसके पहले भी एक सिस्टर बता रहे थे कि मैं बताई लोगों को बट मुझे अफसोस होता क्योंकि वो लोग मेरी बात नहीं माने तो देखिए बात जब हम बताते तो उसको ऐसी तरीके से प्रेजेंट करना कि सामने वाला शुड एक्सेप्ट इट ठीक है सिर्फ बात बताने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवन जब तक मैं नहीं रही ऐसा नहीं कि आई एम पिन पॉइंटिंग टू समबडी ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें कर रही हूं इवन आई वॉज लाइक दैट मुझे ऐसा होता था कि मैं बताई आई एम राइट मेरा इंटेंशन ये होता था बताने का कि आई एम राइट लेकिन व्हेन आई गॉट प्रेजेंट टू कि आई एम राइट या आई नो दिस के इंटेंशन से मैं खुद भी ऐसी ही थी मैं बता रही हूँ कि आई नो दिस एंड आई एम राइट ये इंटेंशन से मैं लोगों को बताती थी तो जब लोग नहीं सुनते थे तो मेरा ही वो हर्ट होता था कि आई एम राइट एंड दे आर नॉट लिसनिंग टू मी एंड एट दैट टाइम गुस्सा आता था जब व्हेन आई गॉट प्रेजेंट टू कि मेरे इंटेंशन को मैं इसीलिए तो इन्नमल आमालु बिन्निया पूरे पूरे अहादीस के बुक में
छवि से, क्योंकि हमारे इंटेंशन को हमको करेक्ट करना है। तो जब हम ये इंटेंशन आई एम राइट और आई नो दिस एंड आई हैव टू प्रेजेंट दिस से हटा देंगे हम, मुझे वो सामने वाले की खैर खाई करना है, मुझे उसको जहन्नुम के आग से बचाना है, दैट पर्सन शुड गेट हिदाया। तो हमारे वर्ड्स, हमारा तरीका, हमारी सारी चीजें जो है बताने का और प्रेजेंट करने का, दैट विल चेंज। इंटेंशन करेक्ट करना है फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज, जब हमारी बात वो लोग नहीं सुनते ना, तो वी विल नॉट बी हर्ट, हमको गुस्सा नहीं आता, हम एक्चुअली उनके लिए अफसोस करते कि कैसी चीज से महरूम हो गए, हाउ कैन आई गेट दैट पर्सन बैक टू हिदाया एंड हाउ कैन आई ड्रैग हिम टू जन्नत। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हम अहादीस देखते हैं, इवन पूरे कुरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला बोले कि आप गमगीन मत हो उनके इनकार से बोलते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा, कभी भी आप देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या सहाबा अकरम को, वो बात नहीं माने, वो हदीस नहीं सुने, वो कुरान पे अमल नहीं किए तो गुस्सा आया नहीं, वो लोग को गम होता था बिकॉज दे वर देयर वेल विशेस। हमको गुस्सा आता है क्योंकि हम उनके वेल विशर नहीं है, हमको रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम, इसलिए गुस्सा आएंगे। दे हैव रिजेक्टेड माय वर्ड, दे हैव रिजेक्टेड व्हाट आई सेड, रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं की वजह से गुस्सा आता। तो हियर छोटी छोटी चीज देखिए, हम लोग कई बार, कितने दफा आप लोग सोचे होंगे इतने डेप्थ में इंटेंशन के बारे में मेरे को बताइए। इसीलिए वी हैव टू लुक अपॉन आवर इंटेंशंस, व्हाट इज आवर इंटेंशन। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताना है कि मैंने जॉब, मैं ज्वाइन करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं पहले ज्वाइन करना चाहिए था शायद, पर हिदायत अल्लाह ताला जब भी देना चाहे मुझे हिदायत मिल रही है। मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ आप सबका, टीम लीडर्स का और आपका, बहुत अच्छे से जितना अच्छा ट्रांसलेशन समझाते हैं, तफसीर समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने के बाद। फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया था, मैं कर देती तो शायद बहुत अच्छा रहता, अच्छा सा अच्छा दिख रहा। घर पे ही बोलती हूँ पर घर पे बहुत वो है कि सुनते ही नहीं, हमारे घर पे जो करना है वही करते हैं, तुम अभी ये कर रहे हैं, पहले करते थे अब भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा रहता बोलते तो भी मैं सुन के खामोश कर जाती हूँ, इतना बोलना उतना बोल देती हूँ फिर खामोश हो जाती हूँ। मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनके लिए हिदायत दे, उन्हें भी हिदायत। आप जो आप बोले कि हिदायत, हम लोग बोलते रहना गुस्सा नहीं होना चाहिए, फिर मैं वो करूंगी बहुत, मतलब जल्दी गुस्सा आ जाता। गुस्सा हमको हमारे रिजेक्शन पे आता है, मुझे जब व्हेन वी पुट आवर ईगो सामने, when we put ourselves सामने, तो ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ फिर खामोश हो जाती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। पहले मम्मी करते थे ना, अब तुमने कहा, तुम बोलने से क्या होता, पहले से करते आ रहे ना, ऐसा भी बोलते, फिर मैं खामोश बोल रहा हूँ। उनके परसों भी कुछ क्या आर्मी कर रहे थे तो घर पे मैं बोली कि नहीं करना चाहिए, बोलता हूँ करते हैं ना शुरू से कर रहे, अब बोलने से क्या होता, तो मैं ये भी बोली कि जब हिदायत नहीं मिली थी होंगे लोग करे थे वहाँ, और हमारे माँ दोनों भी वालिद और हम वालदा दोनों भी मरहमीन हैं, तो मैं अल्लाह ताला की मगफिरत करें ये दुआ करती हूँ, अल्लाह से मैं उनकी मगफिरत करें, उनको नहीं मालूम था, जब से मैं ये सीखी तब से ये दुआ करती हूँ कि उनकी मगफिरत करें, अल्लाह ताला उनको बख्श दे, बख्श दे, जन्नत फिरदौस में जगा दे, हमें हिदायत मिले हम वो करने के लिए। अब घर पे बोले तो दूसरों को थोड़ा वो होता, बस ये दुआ करती हूँ कि सबको हिदायत मिले। आमीन आमीन। जज़ाकअल्लाह शहदा सरवर। इंशाल्लाह ताला लोगों को बोलने के साथ साथ उनको उनके लिए दुआ करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका यही था, वो हिदायत की तरफ बुलाते थे साथ साथ लोगों के लिए दुआ करते थे। तो नेक्स्ट इज, हम सिर्फ बोलना नहीं है लेकिन अपने लोगों के लिए दुआ करना है, और हम जितना तड़प के बोलते उतनी तड़प से दुआ करना है। अब आप देखिए कि दुआ हम कैसे कैसे करते हैं, हम नमाजों में करते, सजदों में करते, तहज्जुद में करते, रोजे में करते, तो कैसे कैसे तरीकों से हमारी दुआएं कबूल होती, वो तरीके से हमको जो है लोगों के लिए दुआ करना
चलिए नाउ क्योंकि वी विल बी एंडिंग द सेशन इन अनदर 10 मिनट्स इंशाल्लाह ताला, तो आई गिव ऑल ऑफ यू अपॉर्चुनिटी की चैट बॉक्स में टाइप इन टू सेंटेंसेस व्हाट एवर यू वांट टू पोर आउट, व्हाट एवर यू वांट टू टेल, चाहे वो थैंक्स हो, चाहे वो कंप्लेंट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो. बिफोर दैट क्योंकि शेख शबनम और निशात को मैं बताई थी कि आई विल स्पीक टू यू, आप लोग जो बोलना चाह रहे बोलिए, देन बाकी सब चैट बॉक्स में व्हाट एवर यू वांट टू पुट just type input and we will read it for you inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh inshallah. Mera naam Shabnam hai baji. Acha Shabnam bolo. Ji main group 15 se hu aur mere team leader Noor Tabassum baji aur Usma baji hai aur main Darul Uqam se I think 2 years se hu main mashallah tbarakallah aapke lecture आपके लेक्चर्स मुझे बहुत हेल्पफुल करते हैं. मेरे लाइफ में बहुत सारे मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो मैंने कभी सुना भी नहीं था, वो सारी चीजें आपसे सीखने को मिली माशाल्लाह. और आप मेरी वन ऑफ इंस्पिरेशन में से बोल सकते हैं, मुझे आपके लेक्चर्स बहुत पसंद है. और यू नो लाइक मुझे ना मुझे भी आपके जैसा बनना है फ्यूचर में, आपकी तरह इन हासिल अच्छे से करना है, मुझे भी दावा करना है. लाइक यू नो सबको जैसे समझाते हैं जैसे सिखाते हैं मुझे भी वैसा बनना है इंशाल्लाह. और मेरी अम्मी की भी बहुत ख्वाहिश है और मुझे उसे पूरा करना है. और मैं आपसे व्हाट्सएप में बात करती रहती हूँ कभी कभी, आप मुझे कोई डाउट होता है कोई भी कुछ भी होता है तो आपकी लेक्चर्स के जरिए मुझे उसका आंसर मिल जाता है, मेरी डाउट सॉल्व हो जाती है माशाल्लाह. तो मुझे लेक्चर्स आपके बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे टीम लीडर वो सब लोग बहुत हेल्प करते हैं. उज्मा बाजी वो भी मुझे बहुत यू नो बहुत इंकरेज करते हैं, जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो उनसे बताती हूँ. मुझे अभी भी बात करने में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसे बात करूँ तो उन्होंने कहा कॉन्वर्सेशन शुरू करो, खुद ही अपने आप हो जाएगा इंशाल्लाह. तो मुझे बहुत इंकरेज करते हैं और मेरे टीममेट्स भी बहुत अच्छे हैं, हम वीकली क्लासेस भी करते हैं, स्टडी करते हैं एक साथ, माशाल्लाह बहुत मजा आता है. और आपके कोर्सेस भी बहुत बहुत अच्छे लगते हैं मुझे माशाल्लाह तबारकअल्लाह. तो मुझे इंशाल्लाह आपकी तरह बनना है इंशाल्लाह. मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि मुझ में बहुत सारी कवि कुदाइयां हैं तो आप मुझसे बहुत बेहतर बने इंशाल्लाह. जी जज़ाकअल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू. मैम मैं मुझे भी बोलना नहीं आता लेकिन मैं कोशिश तो करेंगी. बोलना नहीं आता सिर्फ दिमाग में है, बोलना बहुत अच्छा था. मैं बस आपको सुनना चाहते, बस सुनते रहते. और आपको याद भी होगा मैं तो आपसे हक भी कहे थे, मैं आपसे मिले भी. याद दिलाइए कहाँ पर मिले? मेरे जिठानी को लेकर आए थे मैं हिजामा कराने. अच्छा मेरी मेमोरी बहुत खराब है, देखिए अब शायद चेहरा देखूंगी तो याद आएगा. आपके प्रोडक्ट्स भी मंगा लिए मैम. अच्छा अच्छा यूज कर रहे मेरे बेटी वगैरह अच्छे है मैम. मेरा प्रॉब्लम ये है मैं तफसीर अच्छे से कर लेते अल्हम्दुलिल्लाह, कई कोर्सेस मैंने फेक के भी किए लेकिन एग्जाम नहीं दिए अभी तक, एक शायद इनकम्प्लीट है मेरा. 3 फेक के किए मैं लेकिन इनकम्प्लीट है 3 लेवल तक. लेकिन मैं तफसीर अच्छा करते लेकिन ट्रांसलेशन में अटक जा रही हूँ मैम. मैं मुझे याद मैं अभी सिर्फ आपकी टीम लीडर कौन है निशा? हाँ ज़ेबा तरुण है मैम. वो यू टेक हेल्प ऑफ ज़ेबा. ज़ेबा से कहिए कि आपकी बात मुझ तक पहुंचाए कि ट्रांसलेशन में अटक रहा. यू टेक हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम आवर टीम, विद इन योर टीम, फ्रॉम योर हेड लीडर, फ्रॉम आउटसाइड योर टीम. दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू. यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग एक्सप्रेस भी नहीं किए होंगे कि दे आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन लर्निंग ट्रांसलेशन. We'll try to provide अपने अपने ग्रुप लीडर को बताइए जहां जहां भी आपको प्रॉब्लम हो रही. We'll soon have a team group meeting with the team leaders. तो उसमें they will let us know and we'll try to find a solution where we can provide you support to learn that inshallah. Okay? मैं थोड़ा पीछे रह गए, वो मतलब पूरा कंप्लीट करने के लिए मुझे टाइम लगेगा. और फिलहाल अभी मतलब मेरे हस्बैंड भी आज आए हुए हैं बाहर से और मुझे घर भी शिफ्टिंग करना है, मेरी बेटी का ऑपरेट है, मतलब इतने सब है मैं पता नहीं. यू कैन डू एवरीथिंग निशा, यू हैव द पावर टू डू दैट. यू कैन डू एवरीथिंग. उसके लिए टूल ये कि शेड्यूल
स्पेशल शेड्यूल बनाइए कि ये दिन मैं बाहर जा रही हूँ, ये दिन सर्जरी है, मुझे शिफ्टिंग के लिए 3-4-5 जितने दिन लगेंगे मैं उतने दिन जो है शिफ्टिंग के साथ राइटिंग वर्क नहीं कर सकती हूँ, तो मैं व्हाट एल्स कैन आई डू फाइल पैकिंग. तो शेड्यूल देन यू कैन डू एवरीथिंग इंशाल्लाह. आप आज ही शेड्यूल बना के वो शेड्यूल के स्ट्रक्चर में डालिए कि फिफ्थ के जो पेंडिंग एग्जाम्स है मैं कब दूंगी, तालिमुल कुरान का जो पेंडिंग लेसन है मैं कब कंप्लीट करूंगी. तो प्लान योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है? मुझे भी जरूरत है, तो अल्लाह ताला आपको मुझे हर सब की कोशिशों का अल्लाह कबूल करे. लेट मी रीड आउट द मैसेजेस. Thank you very much. Always concentrate on progress, not in perfection. Progress is important, not perfection. My takeaway point. Assalamu alaikum baji. हमें बहुत अच्छा लगा ये session join कर, बहुत motivation मिलती है आप सब leaders के से. Jazakumullah khair, Jazakumullah ustaza, everyone. I learned lots of positive things, feelings, motivated and inspired. अभी और जो है still we have 6-7 minutes left. So what are you taking away from today's session? You just write it down. On the chat box. Assalamu alaikum baji, bahut jazakallah khair, mashallah, very good enlightening session, learned much from the experiences of participants and from ustaza. Allah humko nek hidayat de aur sirat al mustaqim par chalaye aur amal karne ki taufeeq ata farmaye. Allah dar aur taqwa dil mein dal de. Allahumma ameen. Jazakallah khair for precious time and jazakumullah khairan kaseeran for taking out your precious time and being here. I acknowledge each one of you for being here, for taking your time for this session and also for the course. Thank you very much, Ustaza, my team leader Zeba. Excellent. Zeba, देखिए आपके लिए अच्छे अच्छे messages आ रहे. Ustaza, you are role model. I want to thank you, Ustaza, my team leader Rahila Baji and head leader Tayyaba Baji for providing such a beautiful environment of learning our being at the comfort of our home. Definitely. And Rahila तो बिचारी बच्ची है, इतने कम उम्र में अल्लाह ताला उनको इतनी सलाहियत दी है कि let's pray for her कि अल्लाह सुभान ताला bless her दुनिया और आखरा और कि उनके नस्लों को अल्लाह ताला बेइंतहा उससे नवाजे, खूबियों से और चोजन में से रखे. अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ एंड एवरीवन. मुझे बहुत मोटिवेशन मिला इस सेशन से, हमें सेशन मिला कि हम अपना प्लान कर सके, लेसन शेड्यूल कर सके. जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह फॉर प्रोवाइडिंग अस अ प्लेटफॉर्म टू लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर होम एट अ कंफर्टेबल टाइम, फॉर प्रोवाइडिंग अस टीम लीडर्स लाइक सिस्टर अर्शिया इज ऑलवेज अवेलेबल टू क्लियर डाउट्स. शेड्यूल इज सो परफेक्ट. अर्शिया भी जो है शी इज सच अ वंडरफुल पर्सन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू. She is not only a Talimul Quran graduate, but is also handling other sections, जैसे matrimony section भी वही handle कर रहे हैं, and अपने kids tafsir का section भी जो है वो handle कर रहे हैं. तो she is also a wonderful person, अल्हम्दुलिल्लाह. जज़ाकअल्लाह खैर. मेरी team leader शीबा और head leader तैयबा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह आपको हमारी हम सारी तमाम DA sisters जो हमारे लिए इतना आसान कर रहे हैं इस सफर का, सब जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह, session was amazing. Everyone did open their hearts and spoke today. Alhamdulillah, may Allah ease our journey. Jazakallah to all DA members. Assalamu alaikum. Learning a lot after joining this course. I'm really thankful to Arshida ma'am who also support us. I admire your lectures. I learn from here to be more patient in learning and concentrating. Jazakallah, team 18. I'm very blessed to be a part of TQ and lots of thanks of Jazakallah to Ustaza, my team leaders, Naseema Baji. May Allah bless us all with great things from this source in Dunya Akhira. Inshallah, Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Ustaza, for this wonderful session. So inspiring after listening to all sisters. Thank you, our team leaders and head leaders, for such a wonderful team. Leaders, progress is more important than perfection. Bahut motivational point hai ye. Allah aapke liye aasani kare. Ameen, ameen, ameen. Alhamdulillah, main bahut shukrgozar hu. Ye apna bahut acha kiya groups banakar. Main group 8 mein hu. Irfana mein group leader, she is helpful. Definitely Irfana is very very helpful. Such a soft and humble lady ki I don't have words to explain the diary. Asya Hussain, maintain a diary. Firdaus Khan, your role model. Sadia Shehnaz, time management, writing schedule and following it. Humaira, to make a schedule for week. Arshia Sultana, very glad to have Aisha Fatima Kazim Bhaji to have team leader. Yes, definitely Aisha Fatima is a beautiful person from heart and also
everything. My team leader Arshada, Jazakallah, I'm blessed to have Arshada Baji as my TVS. Arshada is really wonderful, wonderful person. Aaj ke sessions especially apne sister and sisters se motivation and encouragement mila. Jazakallah khair. To my team leader Simran sister and Tayyaba Baji, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Fast do me yaad rakhe, bahut khushi hui aapse baat karke. Sorry if I said anything wrong. This is the first time I've talked to you. I was so nervous. You're my inspiration, inshallah. One day I will be like you. May Allah make you better than me, inshallah ta'ala. And to tell you one fact, it's not only that we inspire you, myself and my team members inspire you, but aap sabke messages padke we are also getting a lot of encouragement, motivation, and Allah ka shukr ada karne ka dil keh raha hai ki acha ye results humko mil rahe hai. So we are also very 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 happy to have you all here in this session. Special thanks, Jazakallah khair. Special thanks to Shiva Fatima, team leader. Definitely Shiva itni dur Australia mein baith ke being connected to us, bahut hi hard working and her efforts yahan pe dekh sakti hu main. Unke students jo baat kar rahe usme, may Allah bless her. Schedule yourself is my takeaway point. Thanks a lot Zeba, team leader. She's very serious. Zeba is also very very supportive. बहुत ही अच्छे हैं हमारी टीम में और भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं. कनेक्टेड सो मेनी पीपल टू हर डियर. आई एम रियली थैंकफुल एंड अल्लाह ताला बहुत ब्लेस करे टाइम मैनेजमेंट और आपका सुनकर आपकी तरह बनने की नीयत है इंशाल्लाह. इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम. आई एम रियली बेस्ट टू हैव यू. आलिया बाजी जज़ाकल्लाह. ये आलिया की भी तारीफ करे कर 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 करे तो कम है. सिंस टू डेज आई हैव बीन मीटिंग आलिया ऑल्सो. तो शी इज सच अ वंडरफुल पर्सन. आई डोंट हैव वर्ड्स की जितना वहां पे परफॉर्मेंस ऑनलाइन दिखते एंड मिलने के बाद तो शी इज रियली वंडरफुल पर्सन. अस्सलाम वालेकुम मारिया कहती है. अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग सो ब्लेस्ड टू बी इन द ग्रुप आफ्टर लिसनिंग टू सो मेनी हर सिस्टर्स एंड इंस्पायर्ड ग्लैड द लेवल ऑफ फुलमान फ्रॉम सारा. आई लर्नड अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ टू शेड्यूल थिंग्स. सो इंप्रेसिव. मे अल्लाह ब्लेस एंड कीप अस स्टेडफास्ट व्हाट वी आर डूइंग. जज़ाकल्लाह खैरन फॉर मोटिवेशन. मीट यू सून. अस्सलाम वालेकुम सिमरन मानन सिंह. ये सेशन ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा. हम सबको हिदायत मिली. मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैम वेरी नाइस सेशन. हैज शोन अ ग्रेट पाथ लाइक एवरी टाइम टू इंप्लीमेंट फॉर हियर एंड आफ्टर. मे अल्लाह गिव हिदायत टू एवरीवन एंड ब्लेस अस ऑल. रोनी समरीन जज़ाकल्लाह टू माय टीम लीडर सिमरन एंड तैयबा बाजी. बेनजीर थैंक यू सादा. टीम लीडर नसीबा बाजी. अस्सलाम वालेकुम खदीजा फ्रॉम ग्रुप 5. अल्हम्दुलिल्लाह ऑलवेज बी मोटिवेटेड एंड स्टे कनेक्टेड विद द टीम. Always say astaghfirullah when feeling lazy or distracted. Plan your days ahead. Focus on progress and not on perfection. And special jazakallah ustaza, my team leader Aisha ma'am and head leader Asra ma'am for motivation, support and the precious time. May Allah keep us connected till we reach Jannah. Amin. Aslam Khadija Rehman. Assalamu alaikum Khadija from team 5. Alhamdulillah felt really great. Elated after this meeting. I've learned to stay steadfast in this journey. Always be motivated with the team. Always say astaghfirullah when feeling lazy or distracted. I think we will close the chat because abhi bhi 57 messages I can see. Haan theek hai. Nahi then Shaista Sanubar. नीचे से आई वांट टू थैंक माय लीडर राहिला बाजी फॉर ऑल द सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट. आलिया फातिमा आई वांट टू थैंक लीडर राहिला बाजी. आयशा बेगम आई एम वेरी थैंकफुल टू शाहनूर सिस्टर. आई वांट टू थैंक माय लीडर राहिला बाजी. देन शाइस्ता सनोवर. अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन प्रेजेंट ओवर हियर क्लास चोजन फ्रॉम अल्लाह सुभान तआला. आई लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मैम. दिस कोर्स को इतना ब्यूटीफुली क्लीन एंड क्लियर एक्सप्लेन करें आप. टीचिंग इज द की कोर्स ऑफ डीए. लाइफ चेंजिंग कोर्स है. आई वुड लाइक टू थैंक इरफाना बाजी एंड तैयबा बाजी ऑल्सो. बहुत सपोर्ट है इन दोनों का. अल्हम्दुलिल्लाह टू हैव यू ऑल इन माय लाइफ. मे अल्लाह एक्सेप्ट दिस फ्रॉम मी एंड ऑल ऑफ अस. अल्लाह ताला ये दुनिया की हमें कुरान की तफसील को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. दिस इज ज़ेबा माय टीम लीडर. अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा इज माय टीम लीडर. शी इज माय डॉटर. शी इज बेस्ट इन माय टीम. थैंक यू मैम. जज़ाकल्लाह खैर आयशा फातिमा. तो बेसिकली यहाँ पे आई एम सॉरी अगर इफ आई हैव मिस्ड किसी का मैसेज. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि इट्स ऑलरेडी 1 मिनट हम लोग आगे गुजर चुके हैं. तो यहाँ पर आई वुड जस्ट से कि बेसिकली जो है सब लोग अपने टीम लीडर्स को थैंक करना चाह रहे हैं. तो आप लोग के टीम लीडर्स का आपके पास नंबर्स है तो आप लोग क्या करिए टीम लीडर्स को कॉल करिए. ठीक है नॉट मैसेज टेक्स्ट में कॉल करिए. कॉल करके उनको एक्सप्रेस करिए कि व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम द सोर्स एंड टेल देम थैंक यू क्योंकि अल्लाह ताला को शुक्र करने वाले बंदे बहुत पसंद है. तो थैंक देम. कॉल योर टीम लीडर्स टुडे एंड थैंक देम एंड टेल देम एंड एक्सप्रेस देम कि व्हाट यू हैव गॉट इन योर लाइफ फ्रॉम दिस कोर्स एंड विद देयर जो है उनके जो एफर्ट्स है उनका जो प्रेजेंस है उनके उससे
thank them today by calling them. This is the task I am giving you all by the end of this session. ठीक है? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رہی بات ٹیم لیڈرز کی, ٹیم لیڈرز will soon, I will soon give you all a time and we'll have a separate meeting کیونکہ صبح سے ہم لوگ 3 hours یہاں تھے. I think you people must also be exhausted and we won't be able to discuss much points. So inshallah ta'ala we'll discuss it in group and we'll have a team leaders meeting on some other day. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جو لوگ یہاں پہ شیئر نہیں کر سکے, آئی وانٹ آل آف یو ٹو شیئر واٹ یو ہیو گاٹ فرام ٹو ڈیز میٹنگ ان بڑا گروپ, جو لیول 1 کا گروپ ہے, سو دیٹ دی سسٹرز دوز ہو آر ناٹ ان دی میٹنگ دے ول گیٹ ٹو نو کی واٹ یو ہیو گاٹ فرام دس میٹنگ. سو آئی ریکویسٹ آل آف یو ٹو شیئر ان لیول 1 کا جو بڑا والا گروپ ہے, ناٹ ان سب گروپ, کی واٹ یو ہیو گاٹ فرام ٹو ڈیز میٹنگ. آپ کا ایموشنل اسٹیٹ جو ہے یا واٹ ایور یو آر گیٹنگ فرام ہیئر, یو جسٹ شیئر اٹ ان دی گروپ سو دیٹ دی سسٹرز دوز ہو آر ناٹ پریزنٹ ول گیٹ ٹو نو اباؤٹ. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.